तो भाई बहुत ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस हो गया, ध्यान से सुनना। कल रात को लगभग 9:30 बजे मैं दाकिन गदौलिया के बीच में था, शिव बारात बनारस में एक्सपीरियंस कर रहा था, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा। उसी बीच मेरे दोनों फोन चोरी हो गए। मेरा जो बैग था मैंने अपने आगे फ्रंट साइड पे लिया हुआ था, धक्का मुक्की में किसी ने ब्लेड से बैग को काट के मेरे दोनों फोन निकाल लिए। उनमें से एक था आईफोन 14 प्रो और एक था एमआई का नोट 10 प्रो कुछ। चलो जी, रात को ही मैं वहीं पे जो लोकल थाना वहां चला गया, मैंने वहां पे कंप्लेंट कर दी और घर आके अपनी सारी ईमेल आईडी वगैरह लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर दिया। बहुत ही लिमिटेड होप थी कि वो फोन मुझे मिलेंगे कभी आगे जाके या नहीं, बस मैंने सोच लिया था कि मुझे बस चूना लग गया और आज के बाद इतनी भीड़ वाली जगह पे नहीं जाऊंगा। आई क्लाउड पे जाके मैंने मैसेज फ्लैश कर दिया था कि इफ फाउंड प्लीज कॉल एट दिस नंबर। मैंने अपने पापा का उसमें नंबर डाल दिया और फिर सुबह सुबह जैसे ही उस बंदे ने चोर ने फोन ऑन किया होगा तो पापा के पास एक कॉल चला गया। तभी मैंने आई क्लाउड में लॉग इन किया और ट्रेस किया तो वाराणसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर चंदौली में वहां पे उसकी लोकेशन दिखा रहा था, बिल्कुल एक रेलवे स्टेशन के पास, फाटक के पास। तो मैं तुरंत घर से भागा, एक मैंने लोकल सपोर्ट किया कि भैया वहाँ पे फोन दिखा रहा है, चलो यार थोड़ा देखा जाए। वहाँ गए, बातचीत की, मतलब बिल्कुल, खैर क्या बात हुई मैं डिटेल में नहीं बताता, बट हाँ मुझे अपने दोनों फोन मिल गए। 3-4 घंटे लगे फोन निकलवाने में लोगों से, बट हाँ मिल गए किसी तरह से। एंड आई कुड नॉट थैंक गॉड इनफ। मुझे फाइनेंशियल लॉस तो होता ही, बट उसके अलावा के सारे कॉन्टैक्ट, सारे मैसेजेस, सारी कम्युनिकेशन, पूरा ऑफिस आजकल तो सब कुछ फोन में है। बट इस एक्सपीरियंस से मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो जो एप्पल का फाइंड माई डिवाइस है वो बहुत बढ़िया काम करता है। अपने अगर आप कोई भी एप्पल डिवाइस यूज करते हैं या आपका फ्रेंड यूज करता है, सबको ये बता दो कि फाइंड माई डिवाइस जरूर ऑन कर दे। आई क्लाउड का पासवर्ड आपको याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप सभी लोग अपने पासवर्ड एक बार रीसेट कर दीजिए और जो भी पासवर्ड नया सेट करो वो कहीं लिख लो। साथ ही आपके इंस्टाग्राम, जीमेल, आउटलुक, जो भी आपके इम्पोर्टेंट पासवर्ड है ना भाई, आपको जरूर एट एनी पॉइंट याद होनी चाहिए। और गूगल पे वगैरह, मतलब आप टैप एंड पे अगर फोन में रखते हो तो सबको ऑफ कर दो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अपने 2-4 सेकंड बचाने का। एक और बहुत जरूरी चीज, सारे डेटा का बैकअप, डेटा व्हाट्सएप चैट्स वैट्स का बैकअप हो ना हो बट आपके कॉन्टैक्ट्स का बैकअप आप ऑटोमेटिक में सेट कर दो, वो हमेशा आपके क्लाउड पर सिक्योर रहना चाहिए। और एक चीज और, एप्पल का फाइंड माई डिवाइस तो यार काम भी करता है, एंड्रॉइड वाला तो इतना फुद्दू था, वो 3-4 दिन पहले की लोकेशन दिखा रहा था अभी भी। तो कहने का तात्पर्य मेरा पूरा ये है कि ऐसी सिचुएशन में आपके साथ कभी भी हो सकती है। मैं भी बहुत ध्यान से बैग अपने आगे लगा के चल रहा था। हर चीज का बैकअप लेना स्टार्ट करो, अपने पासवर्ड याद करना स्टार्ट करो और जो भी आपके दोस्त है उनको ये वीडियो भेज दो ताकि अपने डिवाइसेस पर, चाहे वो एंड्रॉइड हो, आईफोन हो, वो सब पर फाइंड माई डिवाइस ऑन कर ले, क्योंकि इट माइट हेल्प। चलो सी यू।